नेहरू स्टेडियम गोंडा में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनपदों की हॉकी टीम ने हिस्सा लिया और गोंडा बलरामपुर के बीच फाइनल का कड़ा मुकाबला हुआ और बलरामपुर की टीम विजयी घोषित। लखनऊ और बलरामपुर के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाएं, क्योंकि बढ़ते रहे और तरक्की कर। बम बम भाई बहुत ही अच्छे हॉकी के डिफेंस खिलाड़ी थे और फुटबॉल भी उतने ही अच्छा खेलते थे। और बम बम भाई का स्वागत हमारे वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी लेक चचा और शमसुजुआ साहब जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं के द्वारा किया जा रहा है। मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं आज की चाल लाइव न्यूज 18 गोंडा से। इस वक्त मैं गोंडा के नेहरू स्टेडियम में है, जहां हॉकी का खेल हो रहा है। और हॉकी ये भारत का खेल है और भारत का खेल होते हुए ये गोंडा वासी गोंडा के जो खिलाड़ी है उसको खेल रहे हैं। यहां तक ये टूर्नामेंट भी हो रहा है और अलग अलग जगह से लोग आए हैं, यानी अलग अलग जनपदों से आए हैं। कोई लखनऊ से टीम आई है, कोई बाराबंकी से आई है। वो गोंडा के यहाँ खिलाड़ी उससे लोहा ले रहे हैं और यह है कि जीत भी हासिल कर रहे हैं। अभी सेमीफाइनल में गोंडा के खिलाड़ी यहाँ से जीत चुके हैं, अभी ये फाइनल होना बाकी है। हम उनसे जानने चाहेंगे, एक यहाँ पे जिला अध्यक्ष आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे भाजपा के। हाँ, ये भारत का खेल है। बम बम जी, आप अभी नए जिला अध्यक्ष बने हुए हैं भाजपा से, आपका क्या कहना है? ये भारत का खेल है, इसमें क्या होना चाहिए, कितना फोकस देना चाहिए आपकी पार्टी के द्वारा? पार्टी तो हमारी बहुत ही फोकस कर रही है खेलो इंडिया। खेलों में बहुत पैसा लगा दिया पार्टी में। आज जो गोल्ड मेडल मिले हैं वो हमारे पार्टी का ही देन है, जिन्होंने युवाओं पर इतना पैसा लगाया है। और आज हमारी हॉकी की टीम ओलंपिक में कांस्य पदक जीत करके आई है, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। जो नए बनाए गए हैं ये कह रहे हैं कि हमारी टीम, भारत की टीम जो अभी पदक ले आ रही है, यानी गोल्ड मेडल से लेकर पदक लेके आ रही है, भारत का नाम रोशन कर, उनके बारे में कह रहे हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे खेल मंत्री जी ने युवाओं के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। युवा कैसे आगे बढ़े, चाहे पढ़ाई में हो चाहे खेल में हो, पूरा प्रोत्साहन भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि हर गांव में एक छोटा छोटा स्टेडियम बनाया जाए, स्टेडियम टाइप का खेल मैदान बनाया जाए, जिससे गाँव से निकल के खिलाड़ी आए। पहले आज के 30-35 साल पीछे चले जाइए तो हम लोग जब ग्राउंड में रहते थे तो स्कूल से ही टीमें जाती थी, वर्ल्ड चाहे इंडिया टीम में प्रेजेंट करें चाहे ओलंपिक खेलने जाएं, तो गांव से निकल के स्कूल से निकल के जाती थी। बीच में आ गया हॉस्टल, हॉस्टल से भी बच्चे जाने लगे, लेकिन जो स्कूलों से विकास होता है बहुत ही अच्छे बच्चे निकलते हैं। हमारी गोंडा की टीम बहुत दिनों तक टॉप पर रही है, यूपी चैंपियन रही है। अब मैं फिर आज अपने जो स्वर्ण पदक जीत के आए, जो कांस्य पदक जीत के आए, जो रजत पदक जीत के आए, उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बाद मैं 3 बार यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा, एक बार इंडियन यूनिवर्सिटी का ट्रायल भी दिया है। अब भाग में मेरे था राजनीति करने का, तो आज पार्टी ने तय कर दिया एक छोटे से कार्यकर्ता को कि वो जिले को चलावे और अच्छी तरीके से चलावे। ये मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी बहुत अच्छे से चले और सारे लोगों का सम्मान हो। ये थे जिला अध्यक्ष नए हैं और सारे मतलब ये सब सभी का सम्मान हो और खेल पे ज़्यादा जोर है कि गांव से निकल के लोग ऊपर यहाँ तक आए, ऊपर तक आए और खेल खेलें। और यहाँ तक बच्चे से शुरू होता है ये खेल, ऊपर तक जाता है। ये है कि अलग अलग ये रुझान होता है बच्चों का, किसमें कौन जाना चाहता है, या हॉकी में जाना चाहता है, या फुटबॉल में जाना चाहता है, या क्रिकेट में। क्रिकेट इस वक्त जो है विश्व लेवल पे है
अच्छा है, मगर यह है कि हॉकी ये भारत का खेल है। इसमें इन्होंने कहा है जिलाध्यक्ष जी ने कि इस पर जोर देने की बात है और जोर दिया जा रहा है हमारे पार्टी द्वारा। और जो यहाँ हमारे भारत के जो खिलाड़ी है स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, कांस्य पदक जीत के आए हैं, जो भी पदक लेके आए हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है, उनका तहे दिल से सम्मान है। और एक और लड़का है उससे भी जाने जाए, हॉकी खेलते हैं और इनसे जाने के क्या नाम भैया? अंश तिवारी सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सगुंडा। हॉकी खेलते हैं? यस सर। अच्छा, तो इसमें हॉकी में क्या है ऐसा कुछ बताइए आप, ऐसे बता दीजिए। सर हॉकी में तो सर जो चीज़ क्रिकेट में पाया जाता है उससे ज़्यादा ही सर हॉकी में मिलता है, क्योंकि सर आपको पता ही है हॉकी सर एक राष्ट्र खेल है अपना, और उसके साथ साथ सर हॉकी को बहुत कम ही लोग हैं जो लोग चुनते हैं, क्योंकि सर अच्छी चीज़ कम ही लोग चुन पाते हैं। इसमें बहुत मेहनत है हॉकी का खेल, लेकिन जो मेहनत करेगा, जैसे अब बताया जाता है हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, जो मेहनत करेगा उसको ही सफलता मिलेगी। तो सर ये है देखिए, ये ग्राउंड है, नेहरू स्टेडियम है, चारों तरफ से देखिए कुछ लड़के जो है वॉक भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए ये नेहरू स्टेडियम है, मगर ये है कि नेहरू स्टेडियम काफ़ी घासें उगाई हैं, इस पर देखने वाली बात है। ये नाम तो नेहरू स्टेडियम है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय, वो नहीं रहे, उनके नाम से है, मगर ये देखिए कि कितनी घासें उगाएं, इस पर देखने वाली बात है। यहाँ के जो प्रशासनिक है इस पर ध्यान दें और बच्चों को खेल के लिए बढ़ावा दें। मेरा भी यही मानना है कि ये लोग आगे बढ़े और भारत का नाम रोशन करें। गोंडा के नेहरू स्टेडियम में हॉकी का खेल हुआ, अलग अलग टीम के द्वारा, अलग अलग जनपद के द्वारा, यहाँ तक है कि गोंडा की टीम जो है लोहा लेते हुए ये है कि नहीं जीत पाई, मगर कोशिश इनकी भरपूर रही। ये कैप्टन से जाने की कोशिश करेंगे और किसके साथ आपका मुकाबला हुआ, क्या संघर्ष हुआ और क्या इसको टीम को आपको क्या कहेंगे अपनी टीम को? सर हमारी टीम का फाइनल बलरामपुर टीम से हुआ। नाम क्या है आपका? अरमान अली सर, मेरा अरमान अली है और सर मैं हॉकी प्लेयर हूँ सर। और सर हमारा फाइनल मैच बलरामपुर से हुआ जिससे दोनों टीम अच्छी खेली, बट दुर्भाग्यपुर स्ट्रोक तक, गोल्डन स्ट्रोक तक चला गया, इसमें मतलब गलती कारण गोल बाहर हो गया और टीम ने मार दिया, इसके कारण वो टीम विजयी हुई और हम लोग हार गए। अच्छा, मैं हामिद अली, कैमरा मैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।